साल 2014, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से जिस काम में लगा हुआ था, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ उसका एक अहम पड़ाव पूरा हुआ। लेकिन संघ सरकारों की तरह 5 साल की इकाई में नहीं सोचता, वो सोचता है दशकों में। तो 2014 खुद को दोहराता रहे, इसलिए जरूरी था कि मोदी के साथ संघ की नर्सरी से निकले सबसे काबिल लोगों की टीम जुड़े, और इसके लिए एक नेता को दिल्ली तलब किया गया। नेता जिसे संघ और भाजपा ने खुद बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया था। नेता मोदी से मिलते हैं। हमने सुना है कि मोदी ने ऑफर दिया था, मेरे कृषि मंत्री बन जाओ। जवाब मिला, सोच कर बताता हूं। ये नेता फिर अपनी राजधानी लौट गया। अगले रोज मोदी ने अखबार में उन नेताओं के बयान पढ़े जो इस नेता और हमारी कहानी के नायक की सदारत में 2018 के विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। सत्ता को अपनी मुट्ठी में बंद रखने वाले मोदी को ये इनकार की तरह सुनाई दिया, मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी बनने के कुछ हफ्तों के भीतर। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में आपको सुनाऊंगा मध्य प्रदेश के उस मुख्यमंत्री के किस्से जो नरेंद्र मोदी जैसे धाकड़ नेता की नाराजगी से लेकर भीषण भ्रष्टाचार के आरोप और एक बटी हुई पार्टी की कलह से लेकर किसानों पर चली गोलियां, हर तरह के क्राइसिस को मैनेज करने में माहिर रहा, और इसीलिए जब किसी लहर के चर्चे मुल्क ने सुने नहीं थे, एक फैक्टर बनकर वो उभरा और उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। एक ऐसा इंटरव्यू नहीं होता या एक ऐसी चुनावी सभा नहीं होती जिसमें शिवराज ये ना बताएं कि वो एक किसान के बेटे हैं। भोपाल तब एक छोटी सी तहसील हुआ करता था, जिला लगता था सीहोर। इसी सीहोर के जैत गांव में 5 मार्च 1959 को प्रेम सिंह चौहान और सुंदरबाई चौहान के यहाँ शिवराज का जन्म हुआ। 16 के थे तभी एबीवीपी से जुड़ गए। कॉलेज गए तो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हुए, फिर भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए किया। यहाँ शिवराज पहली बार शिखर पर पहुँचे, गोल्ड मेडल हासिल किया। शिवराज इमरजेंसी में जेल भेजे गए थे, इन्हें भी कैलाश जोशी की तरह मीसा वाली जेल फली। बाहर आकर इन्होंने ग्रो ही किया, एबीवीपी के संगठन मंत्री बना दिए गए। शिवराज 84 में कहाँ थे पूछने पर बुरा नहीं मानेंगे, बता देंगे कि उस साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री बना था। फिर शिवराज को बनाया गया मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष। पर शिवराज का मोमेंट आया अक्टूबर 1989 में। इस साल युवा मोर्चा ने एक क्रांति मशाल यात्रा निकाली। जब यात्रा भोपाल में खत्म हुई तो इसमें 1 लाख से ज़्यादा युवा पहुंचे। इस भीड़ ने शिवराज को बना दिया नेता। पदयात्राएं खूब करते थे तो पाँव पाँव वाले भैया के नाम से मशहूर हो गए, और इस नेता पर नज़र पड़ी भावी और पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा की। 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवराज ने युवा मोर्चा वालों को 23 टिकटें दिलवाई। शिवराज का नाम तो तय था, लेकिन वो बुधनी से लड़ेंगे इसकी भूमिका बनाई 1989 में विदिशा से सांसद बने राघव जी ने। राघव जी को दिल्ली की राह पकड़नी थी तो वो इलाके में अपने लोग बैठाना चाहते थे। शिवराज का सितारा जब लगातार मजबूत हो रहा था, राघव जी की उनसे करीबी रही थी, तो राघव जी की सलाह रही कि शिवराज बुधनी से लड़े। ये एक फंसी हुई सीट थी, लेकिन शिवराज लड़े और जीते। '91 के लोकसभा चुनाव में राघव जी ने एक बार फिर विदिशा लोकसभा से सांसदी का पर्चा भरा, लेकिन पर्चा जमा करने के एक रोज पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पर्चा भर दिया। आडवाणी की युक्ति थी ये सुरक्षित सीट से अटल को लड़वाया जाए। विदिशा ऐसी ही एक सीट थी, राघव जी को अटल के लिए जगह बनानी ही थी। अटल विदिशा से जीते ये मध्य प्रदेश भाजपा के लिए नाक का सवाल था, इसलिए अटल के चुनाव में काम करने भेजा गया शिवराज जैसे जुझारू नेताओं को। अटल जीत गए, उन्होंने लखनऊ सीट अपने पास रखी और विदिशा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। और इन चुनाव में भाजपा से कौन लड़ा, वो शिवराज जिसका चुनाव में बढ़ चढ़ कर किया गया काम वाजपेयी की नज़र में आ गया था। अटल से शिवराज का ये परिचय शिवराज को आने वाले वक्त में बड़ा काम आया।
सांसदी जीतकर शिवराज दिल्ली गए तो दीदी की टीम में शामिल हो गए। टीकमगढ़ से आने वाली उमा दीदी उमा भारतीय युवा मोर्चा की अध्यक्ष रही थी और गोविंदाचार्य की करीबी थी, तो उमा के मार्फत शिवराज का परिचय गोविंदाचार्य से हुआ। वो देश भर से भाजपा के लिए ओबीसी चेहरे तैयार कर रहे थे। सियासत की भाषा में इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जा रहा था। शिवराज गोविंदाचार्य को जम गए। नतीजा 1992 में शिवराज भारतीय जनता युवा मोर्चा के अखिल भारतीय महासचिव बन गए। इसके बाद शिवराज लगातार विदिशा से सांसदी जीते, लेकिन उन्हें युवा मोर्चा और संगठन की कमेटियों में व्यस्त रखा गया। वो न दिल्ली में उठे न मध्य प्रदेश लौट पाए, क्योंकि दोनों जगहों पर उनकी सक्रियता को काबू में रखा गया। लेकिन इस वक्त का शिवराज ने बखूबी इस्तेमाल किया। केंद्र की राजनीति में जितने बड़े नाम थे उनसे रابطہ कायम किया। अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन, इस परिचय ने काम किया। 2000 में शिवराज एक और सीढ़ी चढ़े, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी साल शिवराज विक्रम वर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव लड़े, कुशाभाऊ ठाकरे की नाराजगी मोल लेकर और हार गए। लेकिन ये बात चल पड़ी कि शिवराज दिल्ली से भोपाल आने में खासी रुचि रखते हैं। उन्नीस में हुए चुनाव में भाजपा का स्कोर था 320 में 220, लेकिन इसके बाद पार्टी उस हद तक गुटबाजी का शिकार हुई थी कि दिग्विजय को जीतने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। मैनेजमेंट से काम चल गया। पार्टी अब और वॉकओवर नहीं देना चाहती थी, तो 2003 में उमा भारती को एमपी भेजा गया। उमा भारती का उठान पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन शिवराज ने बंद दरवाजों के पीछे तरक्की की। वो दिल्ली में ही रहे, लेकिन उन्हें प्रमोशन देकर संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। उमा भारती ने मई 2003 में चुनाव से पहले एक संकल्प पत्र जारी किया था। ये जारी होने के ठीक एक दिन पहले महू में तैयार हुआ था और इसे तैयार करने वालों में थे कप्तान सिंह सोलंकी, गौरी शंकर शेजवार, कैलाश जोशी, अनिल माधव दवे और शिवराज सिंह चौहान। चुनाव में महामंत्री शिवराज से कहा गया कि राघोगढ़ से दिग्विजय के खिलाफ लड़े। लगा कि शिवराज को सक्रियता दिखाने के अपराध में शहीद किया जा रहा है, क्योंकि बाकी मध्य प्रदेश में भले दिग्विजय को बंटाधार कहा जाए, राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह तब भी राजा साहब ही कहलाते थे। लेकिन शिवराज का पर्चा भरवाने खुद अरुण जेटली, उमा भारती और कैलाश जोशी पहुंचे। भाजपा में शायद ही किसी को लगा होगा कि शिवराज ये चुनाव जीतेंगे, और शिवराज पूरे 21,164 वोट से चुनाव हारे भी। लेकिन शिवराज को दिग्विजय की टक्कर में खड़ा करके पार्टी ने संदेश दे दिया था, शिव ही सुंदर है। ২০০৩ में उमा भारती मुख्यमंत्री भी नहीं थी कि उनकी सक्रियता भाजपा में कई नेताओं को खलने लगी थी। पटवा गुट उमा के प्रदेश लौटने से पहले ही उनका विरोध कर रहा था, लेकिन वोट भाजपा को उमा के चेहरे और तेवर पर ही मिला था, और ये उमा भी जानती थी और भाजपा भी। लेकिन तिरंगा विवाद ने उमा को एक बार जो सत्ता से बाहर किया, उनके विरोधियों को मौका मिल गया। चूँकि उमा ने अपने कार्यकाल के दौरान ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए थे, इसलिए जब तिरंगा विवाद से उमा को छुटकारा मिला, तब भी उन्हें सीएम पद पर वापसी के लिए ज़रूरी मदद नहीं मिली। उमा को लगा था कि बाबूलाल गौर उनके खड़ाऊँ रखकर राज करेंगे, समय पर कुर्सी खाली भी करेंगे। लेकिन बाबूलाल गौर ने जड़ें पकड़ ली और उमा को ये बताया जाने लगा कि उन्हें इंतज़ार करना चाहिए। बुरी तरह बिफरी उमा लगातार अपने पाले वाले सांसद विधायक लेकर शक्ति प्रदर्शन करने लगी। 2005 के दशहरे को उमा के घर विधायकों का एक बड़ा मिलन समारोह हुआ। 92 विधायक खुद आए, 18 ने समर्थन का फैक्स किया। उमा भारती उस दिन राजभवन में इन विधायकों की परेड करा देती तो सरकार गिर जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती के ताबूत में ये आखिरी कील थी उस करियर के दौर की। इसके बाद पार्टी ने चुन चुनकर उमा से विधायकों को तोड़ा। उधर भाजपा हाईकमान ने मध्य प्रदेश में अपने भविष्य को टटोलना शुरू कर दिया। बाबूलाल गौर की भूमिका पूरी हो चुकी थी। अब पार्टी वहां एक ऐसा सीएम चाहती थी जो सूबे में पार्टी को एक सूत्र में बांध सके, सरकार भी चला सके और चुनाव भी जिता सके, और ये सब बिना हाईकमान की आंख में किरकिरी बने करे। मई 2005 में भाजपा के संगठन के चुनाव होने थे। तय था कि शिवराज महामंत्री से प्रमोट होकर अब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, इसलिए भी कि कैलाश जोशी उम्र के कारण दोबारा अध्यक्ष नहीं बनते, और इसलिए भी कि हाईकमान ने उमा भारती को बिहार चुनाव में काम करने भेज दिया था। रही सही कसर पूरी हो गई जब भाजपा में गुटबाजी पर सुंदरलाल पटवा का एक लेख अखबार में छपा
जिसकी आखिरी पंक्ति थी चूके मत चौहान। उमा भारती ने गौर के खिलाफ कैंपेन तेज किया तो एक दिन शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंच गए। विधायक उन्हें देखकर मेज पीटने लगे। बाहर निकले तो विधायक भी साथ में निकले और इर्द गिर्द जमा हो गए। भाजपा का संसदीय बोर्ड समझ गया कि समय आ गया है। अरुण जेटली ने बाबूलाल गौर को फोन मिलाया। गौर इंदौर के राजवाड़ा में दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रम में थे। शोर था। गौर ने कहा आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो संदेश समझ गए। शिवराज सिंह चौहान भोपाल आ रहे थे। उमा को मालूम चला तो उन्होंने गौर से कहा आप कसम से बंधे हैं, इस्तीफा मत दीजिए। गौर जानते थे कि उनके पास शिवराज के लिए जगह बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए जब उमा ने उन्हें इस्तीफा देने से मना किया तो गौर ने शपथ में टेक्निकल समस्या बता दी। उमा भागते भागते दिल्ली पहुंचे। वहां प्रमोद महाजन ने डाइनिंग टेबल पर जूठे बर्तनों के सामने उमा से कह दिया मुख्यमंत्री शिवराज ही बनेंगे बस। दिल्ली से इशारा होते ही शिवराज भोपाल शताब्दी में बैठ गए। गाड़ी जब भोपाल पहुंची तो लगभग 60 विधायक शिवराज की अगवानी के लिए स्टेशन पर थे। इसी शाम मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्यालय यानी दीनदयाल परिसर में विधायक दल की मीटिंग हुई। दिल्ली से अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री संजय जोशी आए। सिर्फ विशेष उपस्थिति देने नहीं, किसी भी बगावत की गुंजाइश खत्म करने। बैठक शुरू हुई। थोड़ी देर में उमा खड़ी हो गई, बोली विधायक दल का नेता वोटिंग से चुनो। संजय जोशी ने लगभग धकिया कर उन्हें बिठा दिया। 173 विधायक अपनी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ये होता देख सन्न हो गए। उमा थोड़ी देर बाद अपने बचे कुचे विधायकों के साथ बाहर कर दी गई। उमा के समर्थकों ने दीनदयाल परिसर का गेट तोड़ दिया। पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। उमा भारती बाहर आकर गुस्से में बोलते बोलते एक लाल बत्ती लगी एम्बेसडर पर चढ़ गई और चेतावनी दी कि वो अपने अपमान का बदला लेंगी। लेकिन समय आने पर किसी चीज को रोका नहीं जा सकता। 154 विधायकों ने शिवराज को मुख्यमंत्री चुन लिया। मुख्यमंत्री के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि यहां से आगे क्या हुआ, कि शिवराज ने कैसे एक भाजपा हाईकमान के मार्फत हुई राजनीतिक नियुक्ति से लेकर एक घाघ राजनेता तक का सफर पूरा किया। मुख्यमंत्री लल्लनटॉप के पॉलिटिकल किस्सों की इलेक्शन स्पेशल सीरीज। इस सीरीज के बारे में, इस एपिसोड के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं। अगर आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो दी लल्लनटॉप के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी पॉलिटिकल किस्से अपलोड हो आपको फौरन से खबर हो जाए। जो दोस्त Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं वो दी लल्लनटॉप के पेज को लाइक करें और सी फर्स्ट के ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि लल्लनटॉप की खबरें, लल्लनटॉप के वीडियो उनसे मिस ना हो। एक और जरूरी सूचना, अब लल्लनटॉप की एंड्रॉयड ऐप भी आ गई है, इसको डाउनलोड कर लें क्योंकि इसी पर अपलोड होते हैं सबसे पहले लल्लनटॉप के सब पॉलिटिकल किस्से। शुक्रिया।